ये सड़क पे तो है, ये सड़क पे आ चुके हैं पाकिस्तानी, ये नाली के अंदर चले जाएंगे। स्वागत है आप सभी का एक और पाकिस्तान स्पेशल वीडियो में, जहाँ पे होंगे इनके एक से बढ़कर एक कारनामे। आपकी पोटली में क्या है आवाम को देने के लिए? बैगन। I find Pakistanis, comparing themselves with Indians. I think it's a wrong comparison. You're comparing chalk with cheese. सही बात है। हर चीज में इंडिया इंडिया करते हो। अगर हर चीज में इंडिया इंडिया करा तो जिन्ना से बोलते कि बावले तूने पाकिस्तान बनाया क्यों फिर अंग्रेजों के साथ मिलके? कि बावले तूने पाकिस्तान बनाया क्यों फिर अंग्रेजों के साथ मिलके? ये देखिए अब खान सर बता रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना का सच। जिन्ना का परिवार एक हिंदू था। उनके माता का नाम मीठी बाई थे। मीठी बाई ठक्कर। पिता का नाम था जीना भाई ठक्कर। दादा का नाम था पूंजा भाई ठक्कर। एक से एक वीडियोस अक्सर पाकिस्तान से आ ही जाते हैं, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाते रहते हैं। इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? औकात मेरे? अच्छा। हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। इनको सिर्फ धमकी की बात है, इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजाते। खाओ माँ कसम। कहने के मुताबिक ये है कि वो बच्चे हैं। अच्छा। अभी वो पबजी पे लगे हैं, लग रहे ना दे। अच्छा। हम पबजी से नहीं खेलते, हम डंडों से खेलते हैं। Meanwhile, दिल बड़ा दुखता है सर। इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए ये मुल्क बनाया गया था, इन्होंने हमें जिल्लत की पस्तियों में फेंक दिया है, एक एक रोटी का मोहताज कर दिया है। अब ये पागल जी नहीं पाए। मुल्क की मशत को तबाह बर्बाद 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 कर दिया। आपकी पोटली में क्या है आवाम को देने के लिए? बैगन। कुछ पाकिस्तानी ऐसे जो अपनी लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। पाकिस्तान के लोगों में बहुत टैलेंट है, कहते हैं इंटेलिजेंस में पाकिस्तान के लोग दुनिया में चौथे नंबर पे हैं। दुनिया में चौथे नंबर में हैं। आर यू कॉमेडी मी? वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो उनको सीधा जमीन पर लाते हैं असलियत बता के। आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं, मुझ समेत। आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। आर यू कॉमेडी मी? फिर रिटायर्ड मेजर गौरव आरा भी आ जाते हैं बहती गंगा में हाथ धोने। पाकिस्तान बहुत अहम है, ये उसका वहम है। पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई, बुरा मत मानना मेरे वर्ड्स का, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। बुरा मत मानना बोल के ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि क्या बताएं। पाकिस्तानियों के भी दो हाथ हैं, तो दो ही हाथ से भीख मांग, अगर इनके चार पांच हाथ होते पांचों से भीख मांगते। टमाटर भी यहीं के चाहिए, दवाइयां भी यहीं के चाहिए, पिक्चरें भी यहीं की देखनी है, तो बेकू फिर पाकिस्तान में क्या कर रहे हो तुम लोग, जगवार रहे हो? पाकिस्तान के टीवी न्यूज डिबेट्स भी बहुत कमाल के होते हैं, इसका विवरण मेजर गौरव आर्य सर करते हैं। ये टीवी पे बैठ बैठ के बकवास करते हैं दिन रात, अपने टीवी के प्रोग्राम्स में लंबी लंबी छोड़ना, चार पांच बुजुर्गों को बैठा के दिखाते हैं आपको इनका उर्दू लैंग्वेज का नॉलेज, उर्दू भाषा में इन पाकिस्तानी लोगों की कितनी पकड़ है वो आपको दर्शाते हैं दो तीन उदाहरणों के साथ। कंप्यूटर को उर्दू में क्या कहते हैं? मशीन। कंप्यूटर को उर्दू में क्या कहते हैं? मशीन। कंप्यूटर को उर्दू में मशीन कहते हैं। कंप्यूटर को उर्दू में मशीन कहते हैं। वाह दीदी वाह। यही नहीं अभी और सुनिए। तो मशीन को उर्दू में क्या कहते हैं? मशीन को उर्दू में क्या कहते हैं? वॉशिंग मशीन। मशीन को उर्दू में वॉशिंग मशीन कहते हैं। मशीन को उर्दू में वॉशिंग मशीन कहते हैं ये पाकिस्तानी लोग। आप खुद ही देखिए और इमेजिन करिए कि क्या हाल बना रखा है वहाँ के ज्ञानी लोगों ने अपने देश का। शर्म, शर्म करो, शर्म। अब बढ़ते हैं उस देश के कुछ युवाओं की तरफ। उर्दू में क्या बोलते? ये लड़के बता रहे हैं कि डॉक्टर को उर्दू में क्या बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। इंग्लिश में डॉक्टर, उर्दू में डॉक्टर। इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं और उर्दू में डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं। इंग्लिश में डॉक्टर, उर्दू में डॉक्टर। साले को बम से उड़ा दूंगा। कितने तेजस्वी लोग हैं पाकिस्तान में, कितने शानदार विचार हैं इनके। और वो हमारा दुश्मन नंबर वन हिंदुस्तान। दुश्मन नंबर वन हिंदुस्तान। कैसा कैसा ऐसी ऐसी तो बात करते हैं वहाँ पे डिबेट में बैठ के। हजार जंग भी होगी तो हम लोग लड़ेंगे, हमारी नस्लें लड़ेंगी। अच्छा कश्मीर के लिए लड़ेंगे? फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? पाकिस्तान को तो मेजर गौरव आर्य ने आर्टिस्ट बताया है और उनकी आर्ट क्या है वो जानिए। बेगरी इज एन आर्ट फॉर्म एंड द आर्टिस्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तानी मंत्रियों और वहाँ के लोगों के खून में शामिल है ये खास आदत। क्या है वो आदत? हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए, हर बंदे ने तीन तीन कटोरे पकड़ लिए। सो बेगिंग इज इन द ब्लड।
सो बेगिंग इज इन द ब्लड। फिर भी इनके हौसले ऐसे हैं कि कोई इनके हौसले तोड़ नहीं सकता, और ये हौसले खास कर की एंकर फिजा खान के अंदर ही होते हैं। भारत का कोई जंगी जहाज भी नहीं तोड़ सकता हमारे हौसलों को। मजे की बात तो ये है कि ये हौसले सिर्फ टीवी स्टूडियो के अंदर तक ही रहते हैं। कुछ ना कुछ टीवी न्यूज स्टूडियो से इनको बोलते ही रहना है, भले ही उसमें कोई सेंस हो या ना हो। आज बोलने में थोड़ी लुकनत होगी, पता नहीं किसी दुश्मन की नजर लग गई है। मौका मिलते ही इल्जाम लगा दो भारत पे, चिढ़ते जाओ, कुड़ते जाओ और भारत को बकते जाओ, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान के एक फेमस एक्सपर्ट है जिनको सब लाल टोपी बुलाते हैं, इनको तो एक अलग ही डर सता रहा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है, ये गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ऐसे पाकिस्तानी अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। एक और किस्सा दिखाते हैं जहाँ पे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सहवाग के बारे में कुछ कहा था। जितना उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। उनका मजाक उड़ाया था उनके बालों को लेकर। ये मजाक है, मजाक में रखना इस चीज को। जितना उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। भले ही उन्होंने मजाक किया था, लेकिन सहवाग उनमें से नहीं है जो चुप रहेंगे। इनके सामने अच्छे अच्छे सिग्मा मेल भी फेल है। इनके ऐसा बोलने के कुछ समय बाद सहवाग का जवाब सुनिए आप। तुमने सवा के सर पे बाल नहीं है उतने तो मेरे पास नोट है। अब बाल बहुत है तेरे पास, नोट कम है। बोलती बंद कर दी। अब बाल बहुत है तेरे पास, नोट कम है। अब शोएब अख्तर की बात हुई है तो इनके एक शो की एक वायरल क्लिप दिखाते हैं आपको, जहां इन्होंने पाकिस्तान के एक पूर्व टीवी होस्ट निदा यासिर का IQ टेस्ट किया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? ये देखो, किस ईयर में जीता था? 2006। वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? 2006। मतलब सवाल में जवाब को परस के देने के बाद भी सामने वाले को जवाब नहीं पता चलता है। वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? 2006। नहीं, इसके बाद बाजू वाली मैडम ने आंसर बताया, हेल्प करी, फिर भी देखिए क्या हुआ। अब दोबारा पूछे। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। जीनियस। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। पाकिस्तान में एक और चीज है जो बहुत ट्रेंड में रहती है और कंट्रोवर्शियल भी है, वो है कजिन मैरिज। घर ही घर में वहाँ के कजिन्स आपस में शादी कर लेते हैं। कजिन मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ठीक भी है, अच्छा भी है, नहीं भी होनी चाहिए। लेकिन अब वहाँ पे कुछ महिलाओं को समझदारी आई है और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। अब भैया नहीं, अब ये सैया है, कजन मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बोल के पाकिस्तान में। या ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता, क्या फायदा। शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ सबसे फजूल चीज है। अच्छा, कजन मैरिज सबसे फजूल चीज है। समझदार लोगों की बात हुई है तो बहुत ही कम है, मगर कुछ समझदार लोग तो हैं। तो मिलवाते हैं आपको उन समझदार लोगों से और सुनाते हैं उन्हीं की जुबान से वहाँ का सच। कि पड़ोसी कहते हैं कि मुझे चाइना के साथ तो कंपेयर कर लो, लेकिन पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गया, मुझे पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करो, पाकिस्तान मुकाबले का नहीं रहा। पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त है, कितने अगे निकलना जे, महंगाई ने तो इतना पाता जे, गरीब बंदे दे ऊपर लोड, बंदे दी आंखां पुठियां ते डेले बाहर है, हुण बंदा की करे। बात करें कश्मीर को लेके फैलाए जा रहे हैं झूठ के बारे में, तो वहीं के एक पाकिस्तानी युवक ने इसका सच भी लाया सामने। एक दफा फिर हिंदुस्तान ने अपनी नफरत कश्मीरी कौम के बारे में खुल के सामने एक्सपोज कर दी है, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे उनकी एजेंसीज हों, चाहे उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, आज तक किसी कश्मीरी को वहाँ पे इंसाफ नहीं। ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं उन लोग, और पाकिस्तान के लोग ही इनकी बात को झुठलाते भी है। ऊपर से खबरें दे रहे हैं, बस वहाँ पर जुल्म काफी है, मगर वहाँ पर जुल्म कम है और तरक्की ज्यादा हो रही है। बहुत अच्छी बात थी कि हमें बताया जाता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल ये देख के आए जम्मू एंड कश्मीर इंडियन साइड का, क्योंकि वादिया नीलम से नजर आते हैं, तो इनका कहना ये कि वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर का राग अलापता ही रहता है, हालात कैसे भी हो
कश्मीर का गाना गाना इन लोग नहीं भूलते। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर लेकर रहेंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कहीं भी कुछ भी हो, कश्मीर लेके रहेंगे चालू हो जाते। और अब वहाँ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक ककर भी लग गए हैं काम पे। हम अल्लाह के फजल से लड़ चुके, हारे हैं जीते हैं डजंट मैटर। आप अपने आप को टटोलो, अपनी जहन, अपनी आंखों को खोलो। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप। कश्मीर का सिर्फ और सिर्फ एक हल है, ये उस पूरे जहाद का हिस्सा है। अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगल लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगल लोग लड़े। क्यों? बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन करवाने के भी पैसे नहीं है और जंगे लड़ना है, कश्मीर चाहिए, सब चाहिए इनको। वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, नारे लगाते रहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं पूछते कश्मीरियों से कि क्या कश्मीर वाले उनका साथ चाहते भी हैं या नहीं। अरे नहीं, उनसे पूछ तो लीजिए कि उनको तुम्हारा साथ चाहिए भी या नहीं। अरे नहीं। कश्मीर पे ऐसी एक बार एक पाकिस्तानी टीवी न्यूज पे डिबेट चल रही थी, बड़ी खास बात हुई। एक पैनलिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा पॉइंट रखा, सुनिए उस पॉइंट को। ना आप लाहौर से ताल्लुक रखती हैं? अच्छा, महमल हमारी साथी कुलीग हमारी, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। एंकर भी मुस्कुरा रही है। ठीक है। मेरे साथ भट्टी साहब बैठे हुए हैं, ये पंजाब से। ठीक है। सुहेल भड़ाई साहब भी पंजाब से, सरगोधा से। ठीक है, समरिया। और मेरा जेलम से ताल्लुक है। ठीक है। सारे हम कमोबेश पंजाबी बैठे हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हम कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हमारे पैनल में कोई एक कश्मीरी मौजूद नहीं है। मजा तब आता है जब वहीं के लोग ऐसी डिबेट्स में बैठ के उस देश को रियलिटी चेक देते हैं और उनके सामने आईना रखते हैं। आप जंग से मकबूजा कश्मीर को आजाद करा सकते हैं। तमाम बड़े इस्लामी मुल्कों ने, वो नरेंद्र मोदी के बिजनेस पार्टनर हैं और सारे सिविलियन अवार्ड उनको दे चुके हैं। क्यों नहीं हम कौम को सच बताते? हमारा है क्या वहाँ? सही बात है। Half of the things are not shared with the people because the people of Pakistan are treated as if they are cattle, as if they are sheep. अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। इनकी माने तो कश्मीर तो इनकी जान है और ये लोग हमसे कश्मीर लेके रहेंगे। हाँ तो इशू कश्मीर का है, वो तो हमारी जान है, वो हम उनसे लेके रहेंगे। कश्मीर इमरान खान ने आजाद किया, कश्मीर इमरान खान ने आजाद किया। इमरान खान कहाँ से आ गए? सब कुछ इमरान खान ने किया। इमरान खान ने कब किया? उसने कुछ छोड़ा नहीं है, ये 3 साल उसके हुकूमत किया था। वो बोलता है नया पाकिस्तान बनाएगा। इमरान खान के डाई हार्ड फैन। ये जब नया शहर बनाना पुराना बना, ये जब नया शहर आ गया वो दोबारा फिर पुराना हो गया। ना नया पाकिस्तान वाला ना पुराना पाकिस्तान वाला। इमोशन आउट टाइम। हाल ही में खबर आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे हमला हो रहा है और ऐसे में पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है आतंकी हमले का मतलब। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अफगान हुकूमत ने वादा किया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस बात पे मेजर गौरव आला ने भी मजे ले लिए। अफगानिस्तान, तुम अफगानिस्तान का क्यों चूरन बेच रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो खुद लश्कर तैयबा है, तुम्हारे यहाँ खुद जैश मोहम्मद है, तुम्हारे यहाँ खुद सारे के सारे टेररिस्ट आउटफिट तुम्हारे घर में पाए गए हैं। ओसामा बिन लादेन तुम्हारे घर में, अल ज़वाहिरी तुम्हारे घर में, सब तो तुम्हारे घर में, तुम अफगानिस्तान की तरफ क्या उंगली दिखा रहे हो यार? तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा होने पे बहुत खुश हो रहे थे लोग। तुम तो जश्न मना रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे सड़क पे, लुड़ियां पा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। अब तो कश्मीर हो गया हमारा, अब तो हमारे मुसलमान परा बैठे हैं। वहां के इमरान खान ने भी कुछ कुछ कहा था। तो जब वो तालिबान की हुकूमत आई तो ये पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई जो प्रो पाकिस्तान थी। हमारे इनसे ताल्लुकात थे क्योंकि हमने इनकी अमेरिकन से भी और गनी हुकूमत से भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की थी टॉक्स। हां भाई आगे स्वाद। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो इन हमलों के पीछे भारत का हाथ ढूंढ रहे हैं। अगर वो अटैक कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग किसने दी है भाई? ये इंडिया वाले देते हैं ट्रेनिंग। क्या बात है। अगर वो अटैक कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग किसने दी है भाई? ये इंडिया वाले देते हैं ट्रेनिंग। अंकल जी मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है। आप जाए ना,
आप तो इधर माशाल्लाह भाई अच्छी जगह पे बैठे हुए, तालीम है, सेहत है, सब कुछ आपको मिल रहा है। जरा उधर आसपास भी जरा नजर दौड़ा, जो के फाड़ों में जहाँ भी इनके ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ उनके ट्रेनिंग कौन देते है भाई? वहीं पे फिर कुछ ऐसे ईमानदार लोग भी मिल जाएंगे जो बताते हैं कि जब अफगानिस्तान के लोगों से जैसा बर्ताव करोगे वैसा ही फल मिलेगा, उल्टा उन लोग दोस्ती थोड़ी करने आएंगे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहन, हमारी अपनी गलतियां हैं। अगर मैं अच्छा होऊंगा सब अच्छे होंगे, जब तक मैं अच्छा नहीं बनूंगा दुनिया का कोई इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं साबित होगा। सही बात है ना। लाइन पे अगर आप इधर देख ले, इधर आप अमेरिका की शर्ट पहन ले, ऊपर अमेरिका का झंडा बनाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। दुबई की, खास करके अफगानिस्तान की पहनोगे ना तो आप गिरफ्तार। अफगानियों को निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं तो क्या अफगानी ये सोचेंगे कि हम इसके साथ दोस्ती करें? जैसी करनी वैसी भरनी। बात करते हैं बलूचिस्तान के एक फेमस आंदोलनकारी की जो अभी सब जगह चर्चे में है। नाम है इनका महरंग बलोच। इन्होंने पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ के रखा है। बलूचिस्तान के लोगों पे पाकिस्तान की सेना ने बहुत जुल्म ढाए हैं, ऐसा इनका आरोप है। और कई बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सेना ने गायब कर दिया और बाद में वे लोग मृत पाए गए। तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ महरंग बलोच पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ के रखी हैं। ऐसी एक बार इनकी प्रोटेस्ट में पहुंच गई एंकर फिजा खान और फिर देखिए क्या हुआ। किया गया इंतहाई अफसोसनाक, काबिले मुजम्मत। आप उसकी मुजम्मत करती हैं, आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्द कार्रवाई की मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं इनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप, मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज। कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज इस सवाल को, आप चीनी कौंसिल खाने का हमला करते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक की, मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था? मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस करती है लेकिन मजम्मत करती है। जी हाँ करती हूँ। जी तो ये जानते बूझते हुए भी कि हम उन्हीं का मौकिफ दुनिया के सामने लाएंगे, उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। अपनी बेइज्जती करवा के लौटी, फिर हम मजबूर हो गए हमारी पूरी टीम के हम वहाँ से चले जाएं। Nation that is born in hatred will never understand the language of peace. इस बारे में मेजर गौरव आर्य का भी एनालिसिस आ गया है। उनकी माने तो ये 1971 का पार्ट 2 है। We are heading for the next version of 1971. ये सड़क पे तो है, ये सड़क पे आ चुके हैं पाकिस्तानी, ये नाली के अंदर चले जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि इतना बुरा हाल हुआ कि सड़क पे आ गया, सड़क पे ऑलरेडी है ये नाली के अंदर चले जाएंगे, इतनी वाट लग जाएगी पाकिस्तानियों के। खत्म, बाय बाय, टाटा।